विदेशी बाजारों में तेजी के चलते और मंडियों में कम सप्लाई की स्थिति के बीच दिल्ली के तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन और बिनोला तेल कीमतों में मजबूती देखने को मिली है, जबकि सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली सोयाबीन तेल तिलहन सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों के भाव में फिलहाल कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में भी तेजी के साथ कारोबार होता दिखाई दिया। जानकारों का कहना है कि खाद्य तेलों की घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सालाना 20-20 लाख टन के शुल्क मुक्त आयात की छूट दिए जाने के बाद बाजार में कम सप्लाई की स्थिति पैदा हो गई है और इस तेजी का असर बाकी तेल तिलहन कीमतों पर भी हुआ है। सरकार के फैसले से ना तो किसान, ना ही तेल उद्योग और ना ही उपभोक्ताओं को कोई फायदा है, इसीलिए सरकार को तत्काल अपने कोटा निर्धारित करने के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। जानकार मान रहे हैं कि सरकार को इसीलिए इस पर शीघ्र कोई निर्णय लेना होगा क्योंकि सीपीओ और पामोलिन के आयात का माल बंदरगाह पहुंचने में 10 से 15 दिन लगते हैं, जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे हल्के तेलों के आयात करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। वहीं तेल उद्योग के प्रमुख संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने सरकार से केवल सीपीओ पामोलिन तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है। वहीं जानकारों का कहना है कि इस संगठनों को सूरजमुखी और सोयाबीन तेल का भी जिक्र करना चाहिए था, साथ ही सरकार से इन तेलों के आयात की कोटा प्रणाली को समाप्त करते हुए इन तेलों पर 10 से 15% का आयात शुल्क लगा देना चाहिए। इस कदम से सूरजमुखी तेल उपभोक्ताओं को 30 से 40 रुपए प्रति लीटर महंगा जो तेल मिल रहा है वह सस्ता होगा। सरकार को इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी और किसानों के साथ साथ तेल उद्योग को भी फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर गुजरात में सप्ताह भर बाजार बंद रहने की वजह से खरीदार नहीं देखने को मिले, जिस कारण मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में फिलहाल कोई अंतर नहीं आया। बाजार में शॉर्ट सप्लाई और हल्की मांग के बीच मूंगफली सोयाबीन तेल तिलहन सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव भी में भी कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला है। उधर शॉर्ट सप्लाई के कारण बिनोला तेल के साथ सरसों के तेल में जरूर तेजी का रुझान देखने को मिला है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल खाद्य तेलों के मेकी कीमतों में सुस्ती के साथ कारोबार आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।